जाने पुलिस कब और कैसे थाने में बुला सकती है। आमतौर पर पुलिस शिकायत मिलने पर बिना किसी जांच के लोगों को थाने में बुलाकर प्रताड़ित करती है। लोगों में कानून की जानकारी के अभाव में पुलिस अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि पुलिस अधिकारी किसी को मौखिक तौर पर थाने में नहीं बुला सकते। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए बगैर पुलिस किसी व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि पुलिस किसको कब और कैसे थाने में बुला सकती है, ताकि आप पुलिस की प्रताड़ना से बच सके। पूछताछ के लिए लिखित आदेश जारी करना होगा। दिल्ली और इलाहाबाद कोर्ट ने हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को लिखित आदेश के बगैर थाने में नहीं बुला सकता है। किसी मामले में जांच में पूछताछ जरूरी है तो पुलिस को तय कानून के अनुसार थाने में बुलाकर पूछताछ के लिए लिखित आदेश जारी करना होगा। FIR की कॉपी मांगने का हक। यदि कभी थाने में पूछताछ के लिए समन या नोटिस जारी होता है तो आप लिखित तौर पर शिकायत या FIR की प्रति मांग सकते हैं। यह पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होती है। धारा 160 के तहत तलब नहीं कर सकते। शिकायत मिलने पर पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होती है कि वह इसकी तहकीकात कर केस दर्ज करे। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए थाने में बुलाए, पर केस दर्ज किए बगैर नहीं बुलाया जा सकता। हालांकि कुछ मामलों में नोटिस भेजकर जांच के लिए बुला सकती है।